हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो दोस्तों, ये होने वाला है Q&A वाला स्पेशल वीडियो, जो है बादशाह स्क्वाड का एडिशन। और इस वीडियो में हम आंसर करेंगे आपके क्वेश्चंस को। कल हमने कम्युनिटी टैब पर आपसे पूछा था कि आज होने वाला है Q&A वाला वीडियो, तो आप पोस्ट करिए अपने ढांसू क्वेश्चंस। तो आपने बहुत सारे ढांसू क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं, जिनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और उनके आंसर मैं दूंगा इस स्पेशल वीडियो में। एंड दोस्तों, सॉरी, मैंने अगर किसी के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, Q&A वाला जो वीडियो है वो हर हफ्ते होने वाला है, तो आप ट्राई करते रहिए, आपका क्वेश्चन ज़रूर पिक होगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बाय द अंडरटेकर। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन विल रोंडा राउजी रिटर्न, इफ शी रिटर्न्स इज शी गोइंग फॉर चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी। तो भाई, रोंडा राउजी का इंतजार सबको है, सभी वेट कर रहे हैं कि द रियल स्टार पावर को आने के लिए, जो है रोंडा राउजी। रेसलमेनिया 35 के बाद रोंडा राउजी जरा भी नहीं दिखी है WWE में, और वो इंजर्ड भी थी और वो रिकवर हो रही थी उनके इंजरी से, पर वो अब ठीक हो चुकी है। और दोस्तों, एक दो दिन पहले ही अपडेट आई है कि रोंडा राउजी ट्रेनिंग कर रही है रेसलिंग की विद रॉडी पाइपर्स डॉटर एरियल टील टूम्स। तो भाई, यहाँ पर रोंडा राउजी काफ़ी तगड़ी ट्रेनिंग कर रही है विद रॉडी पाइपर की बेटी एरियल के साथ। तो हमें देखना होगा कि रोंडा राउजी कब आती है WWE में वापस, एंड ये शायद हो सकता है नेक्स्ट ईयर। एंड जब वो आएंगे, तभी विंस उन्हें डाल सकते हैं डायरेक्टली चैंपियनशिप पिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हनन बट, और वो पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू हु विल बी रोमन रेंस ओपोनेंट एट हेल इन अ सेल। तो भाई, रोमन रेंस का जो स्टेटस है एट हेल इन अ सेल वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या रोमन रेंस डिफेंड करेंगे एट हेल इन अ सेल या फिर नहीं, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर अगर रोमन रेंस डिफेंड करते हैं अपना टाइटल एट हेल इन अ सेल, तो उनके ओपोनेंट हो सकते हैं शायद द फीन्ड। पर अगर फीन्ड नहीं होते हैं, तो फिर कोई और हो सकता है, मे बी बिगी, हु नोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय नबीन छेत्री, और वो पूछते हैं कि भाई, ये WWE ने रे मिस्टीरियो फैमिली के साथ और सेथ रॉलिंस एंड बड़ी मर्फी के साथ क्या प्लान कर रहे हैं, इस तरह ब्रॉल करवा रहे हैं। प्लीज पिक माई क्वेश्चन ब्रो, # रेसलिंग बादशाह, # Q&A, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल। तो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द लव, मच लव बैक। तो ये जो मिस्टीरियो एंड सेथ रॉलिंस बड़ी मर्फी का जो स्टोरी लाइन चल रहा है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड मे बी WWE अब स्टार्ट कर सकते हैं रे मिस्टीरियो की डॉटर आलिया एंड बड़ी मर्फी के बीच में एक रोमांस एंगल। दैट मीन्स कि रे मिस्टीरियो, सेथ रॉलिंस एंड बड़ी मर्फी एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच स्टोरी लाइन अब तक खत्म नहीं हुई है। सो लेट्स सी क्या प्लान्स होते हैं इन सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अला रखा रहमान, ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस डाबा कैडो। दो दिस मैच हैपन इन द मेन रोस्टर, सो हु विल बी विनर, # बादशाह स्क्वाड, लव यू ब्रो, सो लव यू बैक मैन। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड डाबा कैडो की मैच होने वाली है रॉ अंडरग्राउंड में नेक्स्ट वीक ऑन रॉ, और ये मैच देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पर अगर ये मैच होती है मेन रोस्टर पर, तो मुझे लगता है कि डाबा कैडो को जीतना चाहिए ये मैच, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश सुपरस्टार है, जिन्हें काफ़ी ईयर से अच्छा खासा पुश मिल रहा है। और जो डाबा कैडो जो है, वो नए नए आए हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है टू बी अ मॉन्स्टर। तो मेरे हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उन्हें ओवर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय शुभ गुप्ता, और ये एक रैपिड फायर राउंड है। एज और क्रिश्चियन, एज, बिग शो और मार्क हेनरी, बिग शो, स्टिंग और ट्रिपल एच, स्टिंग, रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स, रोमन रेंस, जिंदर महाल और किंग कॉर्बिन, जिंदर महाल, जॉन सीना और द फीन्ड, जॉन सीना, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और द रॉक, द रॉक। एंड अकॉर्डिंग टू यू हु वॉज द मोस्ट डोमिनेटिंग सुपरस्टार अमंग्स द शील्ड, माइंड वॉज इज फॉर एवर द बिग डॉग, लव यू ब्रो, बिलीव दैट। तो भाई, मेरा भी सेम ही है, रोमन रेंस ही थे शील्ड की बैकबोन, जिसके रिजल्ट हमें अभी देखने मिल रहे हैं कि उन तीनों में से सबसे बड़े स्टार बन चुके हैं द बिग डॉग रोमन रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डायनामिक गेमर, और वो पूछते हैं कि व्हेन विल जॉन सीना मेक्स हिज रिटर्न। तो इसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जॉन सीना जो है वो थोड़े से बिजी हो गए हैं उनके मूवी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जॉन सीना ने अपना लुक भी चेंज कर लिया है, कैसे उन्होंने बियर्ड और मुस्टैच ग्रो की है फिर से।
तो ये वो अपीयरेंस दे रहे हैं उनके लुक के लिए। और बात करें उनके रिटर्न की, तो इस साल तो शायद पॉसिबल नहीं है जॉन सीना का रिटर्न। अगर उनका रिटर्न होता है तो वो हमें देखने मिल सकता है 2021 में, जब ही सभी जो कंडीशन है इस वायरस की और लाइव क्राउड आ जाएगी WWE में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अश्विन आदि, और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि रेसलिंग बादशाह, क्या रैंडी ऑर्टन जॉन सीना का 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड तोड़ देगा? प्लीज टेक माई क्वेश्चन, आपके पैर पड़ता हूँ। तो भाई इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस हर एक के पिक होते हैं और हर हफ्ते Q&A होना ही है, तो आपका क्वेश्चंस पिक होना ही है। एनीवेज, गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, जॉन सीना बन चुके हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और रैंडी ऑर्टन है 13 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, तो उनको सिर्फ 3 टाइटल रेंज चाहिए जॉन सीना का लेवल इक्वल करने के लिए। एंड रैंडी ऑर्टन तो काफ़ी साल रहने वाले हैं WWE के साथ, तो हो सकता है कि इतने टाइम में वो 3 या फिर 4 टाइम्स चैंपियन बन जाए और वो तोड़ दे जॉन सीना का रिकॉर्ड या फिर इक्वल करे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय संदीप नाथ, और वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया 37 तक यूनिवर्सल चैंपियन रहता है तो क्या हमें रोमन रेंज हील वर्सेस जॉन सीना फेस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच देखने मिल सकता है #WrestleMania37 पे, और तब शायद जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाए, क्या पता #5SQUAD। तो संदीप, ये आपने क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त पूछा है। अगर विंस चाहते हैं कि रोमन रेंज का ओपोनेंट कोई बहुत बड़ा लेजेंड हो और अगर रॉक अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है कि जॉन सीना को वो ये दे अपॉर्चुनिटी टू फेस अ बिग डॉग एट WrestleMania। तो अगर रोमन रेंज WrestleMania तक चैंपियन रहते हैं, जो कि काफ़ी चांसेस है कि वो रहेंगे क्योंकि विंस उन्हें लंबा टाइटल रेन देने वाले हैं, तो हो सकता है कि सीना रॉयल रंबल जीत जाए और फिर सीना उन्हें चैलेंज करे फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और ऐसे सीना वर्सेस रेंज की मैच हमें देखने मिले एट WrestleMania एंड जॉन सीना हरा दे रोमन रेंज को और बन जाए यूनिवर्सल चैंपियन और तोड़ दे रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड और बन जाए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और वैसे भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप सीना ने एक बार भी नहीं जीती है, तो ये हो सकता है कि अगर विंस मैकमैन ने चाहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कुंदन समा, ये पूछते हैं कि हे यश भाई, अप टू व्हेन डू यू थिंक रोमन रेंज विल स्टे हील एटलीस्ट इन द लाइव क्राउड्स कम बैक #BadshahSquad #Q&A बट सपोर्ट रेसलिंग बादशाह ऑलवेज। तो कुंदन, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और रोमन रेंज का जो हील टर्न है वो बहुत जल्दी जाने नहीं वाला है, रोमन रेंज का जो हील टर्न है वो जा सकता है 2021 तक, एंड हु नोस WrestleMania तक रोमन रेंज हील ही रहे। पर अगर विंस को लगता है कि अभी रोमन रेंज का कैरेक्टर चेंज करना चाहिए, हील से फेस करना चाहिए, तो हो सकता है कि 2021 के स्टार्टिंग के टाइम में रोमन रेंज फिर से फेस टर्न हो सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है रोमन रेंज का इन द कमिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अस्मित दास नावा नालंदा, और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू थिंक यू आर लिटिल बायस टुवर्ड्स रोमन रेंज बट बिग फैन? तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट बायस विद एनीवन, जो जिसकी रियलिटी है वो मैं बयां करता हूँ और वो हमेशा राइट होती है। अगर मैंने किसी इंडिविजुअल को कंपेयर किया रोमन रेंज के साथ, तो ऑफकोर्स रोमन रेंज की जो खासियत है वो ज़्यादा ही होगी, और इस इंडी वैनिला मिजेट की जो खासियत है वो ना के बराबर होगी, तो आप इसे बायस नहीं कह सकते। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वही रेसलिंग बादशाह बताता है विदाउट बीइंग बायस्ड वन बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द वाइपर, और वो पूछते हैं कि इफ़ यू आर विंस मैकमैन देन विच चॉइसेस विल यू चूज? फर्स्ट इज मेक CM Punk रिटर्न और मेक बटिस्टा रिटर्न, तो यहाँ पर मैं पिक करूंगा मेक बटिस्टा रिटर्न। सेकेंड इज हायर MJF और हायर ब्रायन केज, हायर ब्रायन केज। मेक सीना एज फुल टाइम और मेक रॉक एज अ फुल टाइम, मेक सीना एज अ फुल टाइम आई पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय शहबाज अहमद, और वो पूछते हैं कि भाई कोई फायदा ही नहीं है आप क्वेश्चन पिक नहीं करते, चलो बताओ सेथ का बर्न इट डाउन वाला थीम कब वापस आएगा? तो ये लो भाई, पिक कर लिया आपका क्वेश्चन मैंने, और सेथ रॉलिंस का जो बर्न इट डाउन वाला थीम है वो एक बेबी फेस वाला थीम है, और अभी सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर भी चेंज है और वो हील है, और उसके हिसाब से उन्हें जो थीम है उनकी चेंज की गई है। जब सेथ रॉलिंस फिर से फेस बनकर आएंगे तभी आ सकता है उनका बर्न इट डाउन वाला थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय जय श्री राम, और वो पूछते हैं कि क्या कभी ग्रेट खली का रिटर्न देखने को मिलेगा? तो भाई ग्रेट खली का रिटर्न WWE में थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर ग्रेट खली का रिटर्न दो चीज़ों के लिए हो सकता है WWE में। पहला तो ये कि अगर किसी सऊदी शो में ग्रेट खली की ज़रूरत है तो वो वहाँ पर जा सकते हैं, या फिर सेकेंडली अगर जिंदर बाल वापस आते हैं और वो चैंपियन बनते हैं तो ग्रेट खली को अगर उनकी ज़रूरत है तो वो आ सकते हैं।
तो इस दो तरीके से WWE बुला सकते हैं द ग्रेट खली को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय संदीप कुमार और वो पूछते हैं कि भाई आप क्लैश ऑफ चैंपियंस के बाद रोमन रेंस की फ्यूड किसके साथ देखना चाहेंगे, ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फीड? तो भाई मैं पर्सनली चाहता हूँ कि फीड जो है वो इतने जल्दी ना बने रोमन रेंस का ओपोनेंट। फीड को किसी बड़े पेपर व्यू के लिए रखा जाए रोमन रेंस के लिए, और अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन को होना चाहिए रोमन रेंस का ओपोनेंट फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सैयद अरसलान और वो पूछते हैं कि ब्रो हाउ आर यू, मैं हर बार क्वेश्चन करता हूँ लेकिन आप नहीं लेते हैं, पर इस बार लेना। तो भाई ले लिया आपका क्वेश्चन और ये रैपिड फायर राउंड है। रोमन एंड रॉक, रॉक, शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस, एलेक्सा ब्लिस, ड्रू मैकइंटायर एंड रैंडी ऑर्टन, रैंडी ऑर्टन, विंस मैकमैन एंड टोनी खान, विंस मैकमैन इजी, WWE एंड AEW, WWE, मीरो एंड रूसेफ, रूसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय गुलशन शर्मा और वो पूछते हैं कि भाई क्या रेट्रीब्यूशन वर्सेस हर्ट बिजनेस का मैच हो सकता है इन द फ्यूचर? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि रॉ में लास्ट में हमने देखा कि रेट्रीब्यूशन एंड हर्ट बिजनेस के बीच में एक ब्रॉल होती है, तो जरूर हमें देखने मिल सकता है इनकी मैच जब रेट्रीब्यूशन का मैच होने वाला होता है रॉ में, तभी उनका और हर्ट बिजनेस के किसी टीम मेंबर का हमें मैच देखने मिल सकता है, या फिर हमें देखने मिल सकती है एक बड़ी टैग टीम मैच। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन तोड़ता है किसको और किसकी फैक्शन होती है विक्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय फरदीन फिरोज खान पठान और ये एक रैपिड फायर राउंड है। रोमन रेंस और द अंडरटेकर, द अंडरटेकर, द रॉक और ब्रॉक लेसनर, ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन स्ट्रोमैन और कीथ ली, ब्रॉन स्ट्रोमैन, गोल्डबर्ग और स्टीव ऑस्टिन, गोल्डबर्ग, सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स, एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर, रैंडी ऑर्टन, डीमन फिंड बैलर और द फिंड ब्रे वाइट, द फिंड ब्रे वाइट, प्लीज स्पीक माय क्वेश्चन, हैशटैग रेसलिंग बादशाह, हैशटैग बादशाह स्क्वाड, देयर इज योर आंसर मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सुमेर अली टीवी और वो पूछते हैं कि भाई क्या अगर रोमन रेंस रॉ में ड्राफ्ट हुए तो क्या यूनिवर्सल चैंपियन का डिजाइन फिर से रेड होगा? क्या ये औकात है इसकी या कोई नया यूनिवर्सल टाइटल होगा? तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगा कि काफी कम चांसेस है कि रोमन रेंस ड्राफ्ट हो सकते हैं रॉ ब्रांड में, क्योंकि रोमन रेंस अब स्मैकडाउन का फेस बन चुके हैं और यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो है वो ब्लू कर दिया है क्योंकि उसे स्मैकडाउन में ही रहना है। पर अभी आपको पता है कि ड्राफ्ट आने वाला है एंड अगर विंस चाहते हैं कि रॉ में भी बड़ी स्टार पावर आए तो वो रोमन रेंस को डाल सकते हैं रॉ ब्रांड में, और अगर रोमन रेंस रॉ ब्रांड में आते हैं तो वहाँ पर ब्लू यूनिवर्सल चैंपियनशिप कैसे होगा? तो फिर वहाँ पर वो ला सकते हैं जो ओल्ड वाला है रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो हमें देखना होगा कि WWE रोमन रेंस के साथ क्या करती है, क्या उन्हें स्मैकडाउन में रखती है या फिर उन्हें रॉ में डालती है। आई फील लाइक वो स्मैकडाउन में ही रहेंगे, इसके काफ़ी चांसेस है। वो रोमन रेंस के लिए कोई ना कोई शॉकिंग मूव करते रहते हैं, तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि वो उन्हें मूव कर सकते हैं रॉ में और रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप वापस आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय HCO3 और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि फीड वर्सेस ब्रॉक होगा, हैशटैग बादशाह स्क्वाड, लव यू ब्रो, लव यू बैक ब्रो, और फीड वर्सेस ब्रॉक जो है वो तो होना ही है एक दिन, इनकी मैच लॉन्ग अवेटेड है और ये बैटल जो है वो भी देखना काफ़ी पसंद करूंगा। अ ह्यूज बैटल बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड द फीड। इमेजिन फिन जरा भी सेल नहीं करेंगे ब्रॉक लेसनर के मूव्स एंड ब्रॉक लेसनर फिर ग्लव्स निकाल के फीड का सर फोड़ने जा सकते हैं विथ हिज एल्बोस। तो ये मैच जो है उसके लिए मैं काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी कब होती है ये मैच, नेक्स्ट ईयर या फिर और ज़्यादा रुकना पड़ता है हमें इस मैच के लिए? तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे और आज का Q&A वाला सेशन होता है अभी ख़त्म। अगर आप में से किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगले वीक फिर से वेडनेसडे को Q&A होना ही है तो आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के पोस्ट में, और आपके क्वेश्चंस भी पिक हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के Q&A के लिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसा लगा ये वाला Q&A वाला स्पेशल वीडियो, एंड सेकंड आप कितने वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के Q&A सेशन के लिए। सो गाइस प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।